रघुवर दास झारखंड राज्य का पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। यूं तो सियासत में सफल होना किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन रघुवर दास के लिए ये इसलिए भी मुश्किल था क्योंकि सियासत से उनके परिवार का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करने वाले परिवार से निकलकर रघुवर दास ने झारखंड की सियासत में एक नया इतिहास लिख दिया। जमशेदपुर टाटा स्टील रोलिंग मिल में मजदूरी करने वाले रघुवर दास ने सियासत में भविष्य आजमाया तो तरक्की की सीढ़ी खुद उनके पांव के नीचे बिछती चली गई। टाटा स्टील के एक साधारण कर्मचारी से झारखंड के सीएम बनने तक की रघुवर दास की कहानी बहुत दिलचस्प है, बहुत रोचक है। उनका सियासी सफर जिसमें वो राज्य की सियासत के शीर्ष पर जाकर बैठ गए। टाटा स्टील में नौकरी करते वक्त ही साल 1986 में हुई एक घटना ने रघुवर दास के राजनीतिक जीवन को पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। इस घटना के बाद से सियासत उनके लिए कभी भी दूर की कौड़ी नहीं रही। उन्हें करीब से जानने वाले बताते हैं कि इस पूरे मामले ने रघुवर दास के जीवन में एक नया मोड़ दे दिया। रघुवर दास इलाके के चर्चित नेताओं में गिने जाने लगे। ये काम था टाटा कंपनी में 86 बस्तियों को मालिकाना हक दिलाने का। इस मामले में रघुवर दास ने शानदार काम किया, चारों तरफ जमकर सराहना हुई। इस पूरे मामले में उनकी जीत इस बात में थी कि जिन बस्तियों पर टाटा स्टील का कब्जा था वो सरकार के अधीन चली गई। इलाके के लोग रातों रात रघुवर दास को सियासी हीरो मानने लगे। रघुवर दास का जन्म 3 मई 1955 में जमशेदपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम चमन राम है। पिता की आमदनी कम थी तो बचपन अभाव में ही गुजरा। प्रारंभिक शिक्षा भालूबासा हरिजन विद्यालय में हुई, यहीं से मैट्रिक की परीक्षा भी पास की। इसके बाद जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में बीएससी किया। इसके बाद की कहानी टाटा स्टील के रोलिंग मिल से शुरू हुई जो इतिहास के पन्नों तक गई। कॉलेज के दिनों में ही रघुवर दास ने सियासत में कदम रख दिया था। जेपी आंदोलन के दौरान भी उनकी अच्छी सहभागिता रही। यही कारण था कि उन्हें जेपी आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। कुछ दिन बाद जब वो जेल से बाहर आए तो वैकल्पिक सियासत बाहें खोलकर उनके इंतजार में खड़ी थी। चुनाव में रघुवर दास को पहली बार साल 1995 में जीत मिली, जब वो विधायक के तौर पर जमशेदपुर पूर्व से सीट जीतकर सामने आए। 1995 में ही चुनाव में बीजेपी के विचारक रहे गोविंदाचार्य ने रघुवर दास को विधायक का टिकट दिया था। उस वक्त बिहार की कोख से झारखंड का जन्म नहीं हुआ था। यह जीत उस वक्त की बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। कहते हैं कि रघुवर दास ने जमशेदपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के लोगों का दिल जीत लिया है, तभी वो इस सीट पर लगातार 5 बार विधायक बन चुके हैं। साल 2004 में रघुवर दास को झारखंड में बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी। इसे पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। राज्य के हर छोटे बड़े जिलों के हर कार्यकर्ता और नेताओं को जोड़ने के लिए रघुवर दास ने कई कार्यक्रम किए। इसके ठीक साल भर बाद यानी अगले साल 2005 में राज्य में विधानसभा का चुनाव होना था। विरोधियों को पस्त करते हुए एनडीए गठबंधन को राज्य में बम्पर जीत मिली। अकेले भारतीय जनता पार्टी के खाते में 30 सीटें आई। झारखंड बीजेपी में रघुवर दास का कद काफी बड़ा हो गया। बीच में कई दफे ऐसे मौके आए जब वो प्रदेश के मंत्री के पद पर भी रहे। नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक राज्य के श्रम मंत्री रहे। फिर मार्च 2003 से जुलाई 2004 तक भवन निर्माण मंत्री के पद पर रहे। इसके अलावा भी वो कई बार मंत्री के पद पर रहकर राज्य के लोगों की सेवा करते रहे। एक बार साल 2009 में उन्हें राज्य के उप मुख्यमंत्री का पद भी मिला। हालांकि ये पद बहुत दिनों तक उनके पास नहीं रहा। 2010 में ये पद उनके पास से चला गया। बीजेपी खेमे में रघुवर दास अमित शाह के खेमे में माने जाते हैं। 2014 में जब अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, उस वक्त की शाह की अध्यक्षता में बनी टीम में रघुवर दास को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। अमित शाह के नेतृत्व में बतौर बीजेपी संगठनकर्ता के रघुवर दास ने कई प्रदेशों में बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई है। झारखंड विधानसभा की कई कमेटियों के सभापति रह चुके रघुवर दास को पार्टी के कई कामों को पूरी करने में दक्षता हासिल है। उन्हें उनके अनुभव को लेकर पार्टी में काफी धनी माना जाता है। रघुवर दास ने शुरू से ही पार्टी के भीतर मुखर नेता की छवि बनाई।
जिसकी वजह से उन्हें काफी पसंद भी किया गया। इसके अलावा झारखंड वैश्य समुदाय में भी रघुवर दास की अपनी अलग पहचान है। उनकी लोकप्रियता वैश्य समुदाय में लोगों के सर चढ़कर बोलती है। साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव का वक्त आया तो रघुवर दास पार्टी की रणनीति बनाने की टीम में सदस्य के रूप में शामिल थे। अमित शाह का रघुवर दास पर भरोसा काम भी आया। हर जिम्मेदारी पर रघुवर दास खरे उतरे। मोदी लहर में कई राज्यों में बीजेपी ने कमाल कर दिया। पार्टी में फिर से रघुवर दास का कद बड़ा हो गया। इसके बाद इसी साल 2014 में झारखंड में विधानसभा चुनाव का आगमन हुआ और बीजेपी को बम्पर जीत मिली। राज्य के 37 सीटों पर बीजेपी ने विरोधियों को पस्त कर दिया। जमशेदपुर पूर्व सीट से रघुवर दास ने कांग्रेस के उम्मीदवार आनंद बिहारी दुबे को 70,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इस जीत के बाद रघुवर दास को अमित शाह और नरेंद्र मोदी के करीबी होने का काफी फायदा मिला। कई तरह की अटकलों और विवादों के बाद भी उन्हें झारखंड राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। विरोधियों से लेकर अपनी पार्टी के कुछ नेता तक इस बात पर विरोध कर रहे थे कि रघुवर दास पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन आखिर में उन्हें सीएम पद के लिए चुन लिया गया। ये राज्य के लिए पहला मौका था जब कोई गैर आदिवासी झारखंड के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ले रहा था। रघुवर दास के सामने आने वाले चुनाव में काफी चुनौतियां होंगी। आने वाले दिनों में उन्हें विरोधियों के साथ साथ पार्टी के भीतर कुछ अपनों से भी लड़ना होगा। राजनीतिक भविष्य के लिए वन इंडिया हिंदी की ओर से रघुवर दास को ढेर सारी शुभकामनाएं।